नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज जिस वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, इस वर्ड के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो अपलोड हो रहा है हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे। ये वर्ड है इम्यूनो सप्रेसेंट या इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, दोनों नाम से आप बोल सकते हैं। इस नाम में भी इसका काम छुपा हुआ है। इम्यूनो सप्रेसेंट मतलब एक ऐसा ड्रग जो कि आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ी देर के लिए डिजायरेबल तरीके से सप्रेस कर रहा होगा। और अगर आपके मन में एक डाउट क्लिक कर रहा है कि यार हम तो ऐसे ड्रग की बारे में बात करते हैं, ऐसे कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज करते हैं आजकल के इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे, बढ़ा दे, लेकिन ये क्यों हुआ कि आप इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं, कोई क्यों इसको यूज करेगा जानबूझ करके? आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि इम्यूनो सप्रेसिव ऐसे ड्रग है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को, इम्यून रिएक्शन को थोड़ी देर के लिए सप्रेस करते हैं। तो इसका यूज तब कर सकते हैं जहां पे कोई व्यक्ति ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से परेशान हो रहा हो, लाइक विटिलिगो, या कभी किसी को हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो चांसेस बनते हैं कि आपकी बॉडी दिए गए ऑर्गन को रिजेक्ट कर दे, एक्सेप्ट ना कर दे। और अगर ऐसा होता है, अगर आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर ऑर्गन को, इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी ही बॉडी आपके ही बॉडी के दूसरे पार्ट को ट्रांसप्लांट करने के कारण से रिजेक्ट कर देती है, तो नुकसान तो दोनों का होगा, दोनों ही केस में। सो ऐसे नुकसान से ओवरकम करने के लिए, ऐसे नुकसान को, अनवांटेड तरीके से रिजेक्शन को रोकने के लिए जिस ड्रग के बारे में हम बात करते हैं, इसी को हम बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। ताकि जब तक आप उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करें तब तक रिजेक्शन ना हो, फिर धीरे धीरे उस चीज से ओवरकम कर सकें। और खुद के केस में खुद की ही बॉडी आपके ही बॉडी के पार्ट को रिजेक्ट कर रही है, लाइक इन केस ऑफ डायबिटीज टाइप 1 इसमें भी प्रॉब्लम होती है, इन केस ऑफ विटिलिगो आपकी मेलानिन सेल को भी डैमेज करते हैं। तो ऐसे ही कंडीशन में आपकी ही बॉडी के इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा टॉपिकली अप्लाई करके डिपेंडिंग ऑन टाइप टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम उसको हम सप्रेस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम आपके कंट्रोल में आ जाए। तो ये रहा मीनिंग और ये रहा रीजन आज के वर्ड का कि क्यों हम यूज करते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक्स डेफिनेशन तो समझ में आए होंगे, डिटेल जानना है तो वापस से कहूंगा सॉल्यूशन फार्मेसी के चैनल पे आकर के विजिट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।